हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्रिलर हॉरर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी डाउन को एक्सप्लेनेशन करूंगा। इस मूवी में दो लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके पीछे भी एक राज दफन है और एंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें अपनी मेन कैरेक्टर जेनिफर को देर रात तक काम करते दिखाया जाता है। उसके साथ ऑफिस में कोई नहीं होता पर फिर भी वो काम करती है। थोड़े दिनों पहले ही उसके मंगेतर के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, पर इस सप्ताह के अंत में वो उसे मिलने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल भी लिखती है पर उसे सेंड नहीं करती क्योंकि वो एक सरप्राइज था। आगे सीन में हमें एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, गाय। ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार था। ये अलग अलग फ्लोर से लिफ्ट में चढ़ते हैं। गाय जेनिफर से मिलता है, उसे अपनापन दिखाने के लिए उससे हंसी मजाक करता है। लिफ्ट में एक चित्र बना था, गाय ने जेनिफर को चित्र दिखाया, तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में लाइट थी पर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म वगैरह ट्राई करा पर कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरा देखा और उसकी तरफ इशारा करा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, बाहर रेंज भी नहीं आ रही थी। अब ये इस लिफ्ट में 5 दिन के लिए बंद थे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 2 दिन की छुट्टी। गाय ने कहा, मैं यहाँ पर नया हूँ, उसे इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जेनिफर ने कहा कि ये कभी कभी आवाज़ करा करती थी, शायद इसी की वजह से रुक गई होगी। गाय को एक आइडिया आया कि हर लिफ्ट में निकलने के लिए कुछ ना कुछ जगह होती है, तो छत की तरफ देखता है। वो अपने ऊपर जेनिफर को उठाता है पर वो ओपन नहीं होती। उन्होंने बहुत ट्राई किया पर जेनिफर की फ्लाइट अब छूट चुकी थी। उसे प्यास लग रही थी तो गाय ने उसे अपनी पानी की बोतल दी पर जेनिफर मना कर रही थी। पर गाय उसे कहता है कि एक तो उसके पास पानी की बोतल है और दूसरी दारू की। गाय उसे हंसकर कहता है, दारू की बोतल के लिए उसके पास एक ओपनर भी है। जेनिफर भी उसे अपने पास रखा एक ओपनर दिखाती है। इस पर दोनों बहुत हंसते हैं। उसने फिर पानी पी लिया। वो गाय को खाने के लिए एक चॉकलेट देती है। वो कहती है कि अब हमें सारी चीज़ें बहुत तोल मोल कर खर्च करनी होंगी, शायद अब हम यहाँ पर 5 दिन तक फंसे रह सकते हैं। अब 4 घंटे बीत जाते हैं। उसे बहुत तेज पेशाब आ रहा था। गाय कहता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसे कहता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, तुम यहाँ पर पेशाब कर सकती हो। और उठकर उसे अपने बैग में से एक बोतल देता है और जेनिफर उसे मुड़ने के लिए कहती है और उसमें ही पेशाब कर देती है। गाय उससे कहता है कि तुम यहाँ पर लिफ्ट में ये ड्राइंग भी पूरी कर सकती हो और जेनिफर वो ड्राइंग पूरी करती है। जेनिफर गाय से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है जो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। गाय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जेनिफर ने भी उसे अपने मंगेतर के बारे में बता दिया और कहा कि वह उसे सरप्राइज देना चाहती है। और ये दोनों देखते हैं कि वो कितने सेम हैं। ये दोनों टाइम पास के लिए एक बोतल खोल लेते हैं और एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय उसकी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है पर फियांसे उसकी अजीब सी तस्वीर बनाती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। पर जेनिफर कहती है कि वो उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखेगी। बातें करते करते खाने पर बात करने लगते हैं पर दोनों ही भूखे थे, तो जेनिफर उससे कहती है कि टॉपिक चेंज करो। अलग अलग बातें करते जेनिफर कहती है कि एक बार वे अपने मंगेतर के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। गाय पहले तो बहुत शर्माता है, फिर बोलता है कि वह मेरी एक कोवर्कर थी जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ था। जब हम एक बार राइड पर जा रहे थे तो मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था। यही सब बातें करते हुए जेनिफर के लिए भी उसके दिल में फीलिंग आ जाती है। जेनिफर को भी इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी। ये दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत अजीब लगती है। वो उसे कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो नॉर्मल है। वो अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है, वो उसके पास वापस जाना चाहती है। गाय इससे बहुत दुखी होता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें फीलिंग नहीं आई। जेनिफर ने कहा कि ये वो अपने मंगेतर के साथ कई सालों से थी। एक लिफ्ट में होने के बाद ये कितने अलग हैं, ये सारा गाय महसूस कर सकता था। जेनिफर उसे कहती है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं
अचानक से गाय का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। वो अपने मोबाइल में उसे सीसीटीवी कैमरा की कुछ फ़ोटो दिखाता है, तो वहाँ जेनिफर को बताता है कि उसने उसे खुद कहा था। दरअसल में वो एक अकाउंटेंट नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था। ये सब मेरा प्लान था, वो उसे जानना चाहता था। वो अपनी जेब से चाबी निकालता है और लिफ्ट चालू हो जाती है। जेनिफर उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है वो इसकी शिकायत गाय पुलिस इस से बात से करेगी। काफ़ी दुखी होता है और गुस्से में लिफ्ट बंद कर देता है। ऐसा करते देख जेनिफर उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है और उसे पागल वगैरह बताती है। इसके बाद जेनिफर खुद अपने आप लिफ्ट की चाबी को घुमाने की कोशिश करती है और छीना झपटी में उसकी चाबी वो टूट जाती है। वे अब इस लिफ्ट में फंस चुके थे। जेनिफर काफ़ी गुस्सा होती है और गाय को अपनी सैंडल से मार मार कर बेहोश कर देती है, लेकिन गाय पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ होता है। वो भी उसे मारता है और बेहोश कर देता है। और जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उससे कहता है कि बहुत अच्छा प्लान था, उसने काफ़ी प्लान करा था। यहाँ लिफ्ट में उन दोनों के अलावा और कोई था भी नहीं। वो उसे कहता है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर बहुत गुस्सा हुई। इसमें अपने मंगेतर के लिए जो गिफ्ट लिया था, गाय उसे खोलता है और उसमें एक शर्ट थी, गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट था जिसमें एक लाइटर, एक कटर और एक सिगार था। गुस्से में गाय ने लिफ्ट में लगी लाइट को तोड़ दिया। उसे एक आइडिया आया कि लाइट बदलने के लिए ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई जगह होगी। उसने अपनी बोतल से उसे खोल लिया। उसने जेनिफर से सपोर्ट मांगी और कहा कि मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। वो जेनिफर गाय पर भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट भी कम है। गाय भी इसके लिए राजी हो जाता है और जेनिफर ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया था। गाय यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है। वो काफ़ी कुछ करके ऊपर जाना चाहता है। उसने अपने कपड़े निकाले, उनसे एक रस्सी बनाई और ऊपर जाता है। जेनिफर ज़रा ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है। वो डोर को पकड़ने ही वाली थी तभी नीचे से गाय आता है और उसे लिफ्ट में वापस ले आता है। इन दोनों को अब काफ़ी चोट लग चुकी थी। गाय अब बेहोश था और जेनिफर को होश आ चुका था। लिफ्ट टूटी हुई थी तो जेनिफर का ध्यान लिफ्ट में लगे अलार्म की ओर जाता है। उसने गाय के लाइटर से आग जलाने की कोशिश करी और आग जल जाती है। गाय को भी अब होश आ गया था। वो कहता है कि काम नहीं करेगा, अब हमें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। वो कहती है कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, पर तुम्हें सब कैमरे के सामने अपनी गलती माननी पड़ेगी। जेनिफर ने कहा कि वो कोर्ट में अब झूठी साबित नहीं होना चाहती। अगर गाय ने अपनी गलती नहीं मानी तो जेनिफर उसे बहुत बुरी तरीके से मारेगी। गाय फिर सारी गलती मान लेता है। जेनिफर भी उसे कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। गाय कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे फोटो देखता था और तुम्हें देखता था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था जैसे मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया कि मैं हमेशा से एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। दरअसल में मैं एक अकाउंटेंट था और बहुत सारे पैसे कमाता था। जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि मैं कार में अपने कोवर्कर के साथ इंटीमेट हुआ था, आते वक्त कार का एक्सीडेंट हो गया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे तो वह 6 महीने में ही जेल से बाहर आ गया। धीरे धीरे उसकी पैसे की इनकम कम हो गई और उसकी मजबूरी और ज़्यादा बढ़ती गई और उसे गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। वो जेनिफर से कहता है कि मैं पुरानी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाय के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर ले आता है। उसने छुट्टी ली थी, वो वापस नहीं आने वाला था, लेकिन वो आ जाता है। वो गाय को आसपास कहीं भी नहीं देखता तो वो कैमरे की देखता है। जेनिफर और गाय को लिफ्ट में फंसा देखता है। वो जल्दी से उसकी मदद करता है और मदद के लिए लिफ्ट को ओपन करने के लिए भागता है। लिफ्ट थोड़ी सी ओपन हो रही थी, वो अपनी चाबी लेने के लिए जाता है, तभी गाय जेनिफर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो वापस आया और अपनी चाबी उसने गाय को दे दी। गाय कहता है कि तुम ऊपर आओ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो आधा ही अंदर आया था कि गाय तभी लिफ्ट चला देता है और वो बीच से कट जाता है। वो लिफ्ट में ही फंसा रह जाता है। जेनिफर को लेकर गाय अपनी
कार की डिग्गी में डालता है और ले जाकर नीचे आता है और नहाता है। नहाने के बाद अपने कपड़े बदलता है और लोबी में जाकर अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को देखता है। वो उसे देखने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो गाय उसे कहता है कि वो तो चला गया। गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड उस पर शक करती है और उसे भी मैट मार देता है। और इसके बाद जेनिफर को वो एक जंगल के रास्ते पर ले जाता है जहाँ सुनसान रास्ता होता है। वो थे स्कैन में पेट्रोल वगैरह डालकर जेनिफर को जिंदा जलाने वाला था, क्योंकि जेनिफर अभी तक जिंदा थी। उस पर वे हमला करती है और गाड़ी में बैठकर आगे चली गई। उसने पीछे देखा तो गाय अभी तक जिंदा था। वो बहुत उस पर ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गाड़ी को बैक गियर डालकर उसे मार देती है। फिर उसे डस्टबिन में डालकर उसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आपको मूवी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अपने इस चैनल पर नई नई मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।